नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के देवदास और पारो न बन पाने का है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। धर्मेंद्र ने शादी हेमा से की और हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन तक करा लिया। दोनों की प्रेम कहानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मशहूर थी। इसी कड़ी में लोग उन्हें एक साथ फिल्म में भी देखना चाहते थे, तो गुलजार ने दोनों को लेकर एक रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की कहानी तो कुछ नई नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसी कहानी पर पहले भी 3 फिल्में बन चुकी थीं, लिहाजा गुलजार ने सोचा कि क्यों ना इस रोमांटिक कहानी पर फिल्म बनाई जाए और फिल्म में कास्ट किए जाएं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। फिल्म बंगाली साहित्यकार शरदचंद चट्टोपाध्याय के देवदास उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म का नाम भी देवदास तय किया गया। फिल्म की कहानी खुद गुलजार ने लिखी थी और वो इसके डायरेक्टर भी थे। जाने माने डायरेक्टर प्रकाश मुग्धुम ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का जिक्र किया था। फिल्म में चंद्रमुखी के किरदार में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को चुना गया था। गुलजार ने इसकी कहानी भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के सामने पेश कर दी थी। दोनों इसके लिए तैयार भी हो गए थे। फिल्म की स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, शूटिंग और शेड्यूल समेत सब कुछ तय होने के बाद फिल्म का मुहूर्त भी तय हो चुका था। हालांकि फिल्म शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। फिल्म की कहानी यूं ही पड़ी रह गई, लेकिन इसकी शूटिंग कभी शुरू ही नहीं हो पाई। तो कुछ देवदास और पारो के रूप में स्क्रीन पर नजर आने का सपना धर्मेंद्र और हेमा दोनों का अधूरा रह गया। प्रकाश ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि NFAI को इसकी 2 रील भी मिली हैं। इसमें पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि ये दोनों कहाँ की हैं, लेकिन इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जरूर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गुलजार से भी इस बारे में बात की थी, उन्होंने इससे जुड़े कुछ सुराग दिए हैं। शरदचंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर यह कोई पहली और आखिरी फिल्म नहीं थी। इससे पहले 1928 में साइलेंट फिल्म इसी उपन्यास पर बन चुकी थी। 1936 में बनी फिल्म में KL सहगल देवदास बने थे। इसी उपन्यास पर आधारित एक और फिल्म साल 1955 में आई, जिसमें दिलीप कुमार को बिमल रॉय ने देवदास बनाया। और इसके बाद साल 2002 सुपरस्टार शाहरुख खान भी देवदास के किरदार में नजर आए और सामने थी ऐश्वर्या राय और चंद्रमुखी के किरदार में माधुरी दीक्षित। लेकिन धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर, इनका देवदास, पारो और चंद्रमुखी बनने का ख्वाब ही रह गया। वजह, इसका खुलासा गुलजार ने कभी नहीं किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।